खातेगांव हरण गांव में बाबा देवस्थान वाले मामले में सर्व आदिवासी समाज द्वारा मोहन पटेल सिया के नेतृत्व में की जा रही भूख हड़ताल को आज खातेगांव एसडीएम अभिषेक सिंह ने जूस पिलाकर समाधान किया। हालांकि सर्व आदिवासी समाज अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। नायब तहसीलदार न्यायालय हरण गांव के द्वारा संबंधित भूमि को खाली करने के नोटिस अतिक्रमणकर्ता को दिया गया है, जिसमें 7 दिवस का समय दिया गया है। आदिवासी समाज के अनुसार अगर 7 दिवस में उक्त भूमि को खाली नहीं कराया जाता है तो सर्व आदिवासी समाज अन्न एवं जल का त्याग कर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेगा। इस दौरान तहसीलदार स्वाति तिवारी, बीएमओ डॉक्टर अरविंद परमार, नायब तहसीलदार सुनील, पीडीआर, थाना प्रभारी विक्रांत झंझोट सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। उधर मोहन पटेल की भूख हड़ताल समाप्त करने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली है। देखिए, एसडीएम साहब, तहसीलदार महोदय और कुछ डॉक्टर्स लोग भी थे, टीआई साहब थे, मीडिया के कर्मचारी थे, मीडिया वाले सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे। मेरे से बहुत देर तक उन्होंने बात की कि पटेल साहब, आप अपना धरना ख़त्म कर दीजिए। मैंने कहा मैं किस बात को लेके कर दूँ, आपने कौन सा आश्वस्त किया है मुझे, अभी तो बिल्डिंग यहाँ की यहीं खड़ी है। लेकिन उनने मेरे को 1 घंटा पहले एक नोटिस भिजवाया था, उसको मैंने पढ़ के देखा था। उसमें उन्होंने बेदखली का नोटिस लिखा है और बेदखली के नोटिस में 7 दिन का समय दिया है। मैंने उसको पूर्णतः पढ़ा है कि आपको हिदायत दी जाती है कि आपका जो अतिक्रमण है, जो अवैध है, उसको 7 दिवस में आप हटा लें। यदि आप नहीं हटाते हैं तो शासन अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से तोड़ देगी। आपको 7 दिन का समय दिया जाता है, आप उसे तोड़ दें। तो मैंने कहा ठीक है साहब, मैं उस चीज़ से अस्वस्थ हूँ, लेकिन पर मैं उस बात से अस्वस्थ हूँ कि जो आपने नोटिस दिया है, लेकिन मैं यूँ अस्वस्थ नहीं हूँ कि आपने वहाँ से बिल्डिंग हटा दी है। मैं कैसे मान लूँ कि मतलब अतिक्रमण हट गया? आप वहाँ का अतिक्रमण हटा दिए, 7 दिन दिए हैं आपने, तो 7 दिन में 13 तारीख आती है, 13 तारीख को वहाँ का अतिक्रमण हट जाएगा। 13 तारीख आपने दिए, 1 दिन मैंने आपको ज़्यादा दिया, और 14 तारीख को वहाँ अतिक्रमण की मुहिम चालू करके और अतिक्रमण हटा देते हैं, तो मेरा धरना है जो ख़त्म कर लूँगा, मेरी जो हड़ताल है वो ख़त्म कर लूँ। मैंने भूख हड़ताल ख़त्म की है और वो भी मैं इसलिए करी है कि आपने कई बार, अधिकारियों ने आके मुझसे बोला कि हमें आपकी स्वास्थ्य की चिंता है, आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा। डॉक्टर्स लोगों ने बोला कि आपको कोई नई बीमारी आ सकती है और वो जो भी बीमारी नहीं आएगी वो प्राणघातक है, आपका जीवन ख़त्म हो सकता है। इसलिए, और जो हमारे साथी लोग हैं वो भी बड़े चिंतित थे कि पटेल साहब 4 दिन से भूखे हैं और पानी नहीं लिया है इन्होंने, ना अन्न लिया है, ऐसी स्थिति में कहीं कुछ हो नहीं जाए। इसी के चलते इनमें आक्रोश भी पैदा हुआ, तो 9 तारीख का चैलेंज करा है सारे आदिवासी समाज ने कि अगर कभी हमारी मांगों को पूरी नहीं करते हैं तो 9 तारीख को शांतिपूर्वक, हमारे 3 प्रदेश से लोग आ रहे हैं, वो शांतिपूर्वक तहसील प्रांगण में धरना देकर के बैठेंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे, शांत रूप से बैठेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, पर इसके चलते आपने मुझे इस तरह से आश्वस्त कराया है तो मैं भूख हड़ताल तोड़ रहा हूँ। खातेगांव तहसील से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट।